सबसे पहले हम ये कॉइन लेंगे जी. और ये कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रब विद कॉइन. मैंने फोन लिया अपना जी जी और ये मैंने इसके ऊपर रखा जी. ये इसने बार कोड इसका ड्राइंग कोड डिटेक्ट कर लिया. ओ वाह जी वाह. ये एटलस होंडा अंदर से हाँ जी जाहिर हो रहा है. ऐसे ही बिल्कुल. जो दो नंबर होगा जो फेक होगा उसका ये फर्क होगा कि वो ब्लैक हो जाएगा. अच्छा अच्छा. या वो रीडेबल ही नहीं होगा. हाँ, मतलब वो पढ़ नहीं सकते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. नाज़रीन आज मैं सिटी लाहौर में मौजूद हूँ. होंडा का ये शोरूम है. आपने बहुत से देखे होंगे बिज़नेस आइडियाज़ के होंडा का शोरूम वगैरह लेके या इस तरह की डीलरशिप लेके आप बिज़नेस कर सकते हैं. लेकिन आज एक डिफरेंट जो है वो बिज़नेस आइडिया है. होंडा के जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं उसके डीलरशिप के हवाले से और उसके बाद जो पार्ट्स कहते हैं जी मिलते नहीं हैं. सर जुनेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ये माशाल्लाह उनके पास डीलरशिप है. होंडा के जो शोरूम होंडा के जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ओरिजिनल इनका ये माशाल्लाह एक सेंटर है बना हुआ लाहौर सिटी में. तो इनसे बातचीत भी करेंगे. जो चीज़ें आप कहते हैं भाई कि मिलती नहीं है ओरिजिनल वो कहते हैं ए टू जी इंफॉर्मेशन है और इनके पास होती है माशाल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह. अच्छा सर ये ज़रा मुकम्मल एड्रेस अपना ज़रा बताइएगा इस लोकेशन के बारे में. जी मैं कौसल कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी और हम लोग 58 मैक्लोड रोड हमारा एड्रेस है. अच्छा अच्छा माशाल्लाह. और आपको किसी किस्म के पार्ट्स रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे माशाल्लाह जी. अच्छा सर वो चीज़ें दिखाएं जो लोग कहते हैं जी अक्सर जो है वो मिलती नहीं है मार्केट में ओरिजिनल जो है. ये है सर पार्ट्स मुख्तलिफ जो कि लोग क्लेम करते हैं कि जी होंडा से आते ही नहीं. अच्छा ऐसी कोई बात है नहीं. सही. अब जैसे ये है चेन स्प्रॉकेट किट है जी जी 150 की ओरिजिनल होंडा की. अच्छा 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 ये हो गई. फिर उसके साथ ही आपके पास इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है जी 5000. ये मतलब अपडेटेड प्राइस इस वक्त जनवरी 2022 के हवाले से ये 5000 की है फिलहाल ओरिजिनल जी. जी माशाल्लाह जी. मजीद दिखाएं जी क्या है? ये है सर CB125F उसकी ओरिजिनल बैटरी है. अच्छा. जो 7 एम्पीयर्स की बैटरी होती है. ठीक ठीक. और ये कंपनी इम्पोर्ट करती है इंडोनेशिया से. इंडोनेशिया से इंडोनेशिया AGS की बैटरी है होंडा की ओरिजिनल. ओरिजिनल है. सही सही. ये सर जबरदस्त. और इसकी प्राइस ये भी है सर 5000 की. अच्छा ये भी 5000 रुपए की है जी. ओरिजिनल चीज है माशाल्लाह. ये है होंडा कंपनी का 125 का मैग्नेट कंप्लीट. अच्छा अच्छा मैग्नेट है. ठीक है. ये रिक्वेस्टेड पार्ट है. ये होंडा कंपनी सिर्फ उस बंदे को देगी जिसका कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है. अच्छा, जो प्रॉब्लम अच्छा, हो जाती है तो फिर उस पर हम ये रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं. अच्छा. और ये राइट सिर्फ चंद डीलर्स के पास है जिनमें हमारा शुमार. माशाल्लाह बड़ी बात है जी. ठीक है. ये सर ये है पूरा कंप्लीट पैक्ड होता है. ये पूरा जो गाड़ी के अंदर करंट बनता है ये बेसिकली वो आइटम है. हाँ, क्या प्राइस है इसकी भी आजकल? सर ये है 10000 का. 10000 का है. ठीक है. ये है CB125F का मेन कॉइल जी. ठीक है. ये भी इसी तरह से स्पेशल आइटम है. ये भी रिक्वेस्ट पे आती है. ऐसे रूटीन में नहीं मिलती. और इसकी भी प्राइस? इसकी प्राइस है सर 3000. ठीक है 3000 रुपए का. ये जी ओरिजिनल की प्राइसेस है माशाल्लाह जी. और ये है आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच 150 का. अच्छा. अक्सर बारिश में या हाई प्रेशर पे जब पानी का उसके छिड़काव होता है तो उस वजह से उसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच खराब हो जाता है. ऐसे ही तो ये कंपनी की तरफ से इसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच आता है. क्या इसके इसके चार्जेस है जी 1500. अच्छा जी 1500 रुपया इसके चार्जेस. ये भी सर रिक्वेस्टेड पार्ट है. और ये है 125 का हेड यूरो गाड़ी का. अच्छा यूरो का. ये कंपनी से रिक्वेस्ट करके इसी तरह मंगवाया जाता है. और ये कंप्लीट हेड है. ठीक है. ये आपके सामने है जी कंप्लीट. ठीक जबरदस्त जी. ये भी जनवरी 2022 के हवाले से रेट इसका भी बताते जाएं जी. सर इसकी प्राइस है 10000 जी. इसकी भी 10000 है. ये है जी क्लच असेंबली कंप्लीट 125 जिसको आम जबान में क्लच बॉक्स बोलते हैं. ठीक है. इसके अंदर क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स क्लच हाउसिंग और आउटर क्लच काउल होता है जी जिसको मतलब क्लच कोला भी कहते हैं. ठीक है. और इसकी प्राइस है 6210. ठीक. और मैं इसके साथ ही आपको कुछ ओरिजिनल की निशानियां बताता चलता हूँ. जी जी. सबसे पहले हम ये कॉइन लेंगे जी. और ये कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रब विद कॉइन. ठीक है. इसको जरा फोकस कीजिएगा. ये एटलस होंडा अंदर से
जाहिर हो रहा है। ऐसे ही बिल्कुल, जो दो नंबर होगा जो फेक होगा उसका ये फर्क होगा कि वो ब्लैक हो जाएगा, अच्छा अच्छा, या वो रीडेबल ही नहीं होगा, हाँ, मतलब वो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, और इसकी दूसरी बड़ी दूसरी, क्या निशानी? दूसरी निशानी है ये जो इनका कंपनी का स्टिकर है, इसके अंदर डुअल शेड आ रहा है इस कॉर्नर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें एक शाइन आ रहा है, और जो फेक होगा उसमें वन शेड होगा, वो पता नहीं चलता। सही। और तीसरी बड़ी निशानी है कंपनी का QR कोड स्कैनर। जी, मैंने फोन लिया अपना, जी जी, और ये मैंने इसके ऊपर रखा, जी, ये इसने बार कोड, इसका ड्राइंग कोड डिटेक्ट कर लिया। ओ वाह जी वाह, ये तीन निशानियां हैं जिससे ये पता चलता है कि ये पार्ट ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, वाह जी वाह। इनमें से कोई एक भी कम होगी तो नहीं होगा, वो पहचान नहीं मिलेगी। सही, जबरदस्त जी। और ये क्या प्राइस है इसकी? ये 6210। अच्छा अच्छा, सही, 810 रुपए। ये यूरो यूनिट जी, ये भी ये लोग क्लेम करते हैं कि जी जेन्युइन नहीं आता, ऐसी बात कोई नहीं है, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपनी का यूरो यूनिट है और इसकी प्राइस है 2500। ये होंडा कंपनी का एसी जनरेटर कंप्लीट है 70 का, इसको कहते हैं मैग्नेट आम जबान में, कि कंपनी का मैग्नेट जिससे करंट बनता है जी। ये 70 गाड़ी का है जी, जबरदस्त जी। और क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है जी 3800। 3800। ये है जी एटलस होंडा के हेलमेट जी, ये है कंपनी का स्पेशल हेलमेट। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसके अंदर ग्लासेस मौजूद है, जबरदस्त ग्लासेस वाला है, वाह क्या बात। और ये बड़ी फाइन क्वालिटी का कंपनी का हेलमेट, ऐसे ही। और इसके साथ आपको ये एक बैग भी मिलता है, वाह क्या बात है यार, एक मतलब एक पावरफुल चीज है, मजबूत चीज है, ये सेफ्टी की प्रॉपर जमानत है इसमें, प्रॉपर है। क्या सर इसकी प्राइस दे रहे हैं? ये सर 8500 का कॉस्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, 8500 का, 8500 का। और इसमें कलर वगैरह मजीद मिलते हैं? इसमें एक दूसरा कलर है, ये ब्लैक है जी, ऐसे ही, और इसके साथ भी ब्लैक, जबरदस्त क्या बात है, सेम प्राइस ही जी, सेम प्राइस। सही। और ये है सर स्टैंडर्ड हेलमेट है, इसको कहते हैं एथलस का हेलमेट है रेगुलर जी, और इसकी प्राइस है 3000। 3000 है, सही है। सर ये है होंडा लवर्स के लिए, जो होंडा के फैंस हैं वो ओरिजिनल फ्यूल टैंक्स रिक्वायर करते हैं, हमारे पास आपको ओरिजिनल फ्यूल टैंक्स मिल जाएंगे माशाल्लाह जी। 70 and 125 and 150 का ईच एंड एवरी बाइक, 70, 125 प्राइडर, डीलक्स, 150, 125 F जी, एवरी मॉडल इज अवेलेबल है, कोई आपको इशू नहीं होगा, रेड ब्लैक कलर जो भी रिक्वायर हो उस हिसाब से मिल जाता है। ये है 125 का 2021 मॉडल, जिसमें रेड कलर है और इसमें ब्लैक कलर भी ऑन डिमांड मिल जाएगा। मिल जाएगा, क्या बात है। और क्या इसकी प्राइस क्या सर? सर ये आपको 9500 का सेट पड़ता है। अच्छा अच्छा, 9500 का पूरा सेट, सेट के साथ वो जो साथ वाले साथ में साइड कवर, साइड कवर जिस पे ग्राफिक्स होते हैं, हम उसको सेट कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है 125 S का जी, स्पेशल एडिशन का, इसके साथ जो साइड कवर्स होते हैं वो क्रोम वाले होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, वो भी मैं अभी आपको दिखा, चले वो भी अगर साथ दिखा दे ताकि सेट पूरा हो जाए ना। और ये सर 125 स्पेशल एडिशन के क्रोम के, अच्छा जी, साइड कवर्स हैं, साइड कवर्स हैं जो मैंने अभी आपको मॉडल दिखाया था, ये उसके साथ के, जबरदस्त। ये होता है 125 स्पेशल एडिशन का 10500। 10500 का, ठीक है जी। और ये लेटेस्ट मॉडल है जी, इसकी प्राइस है 1350 रुपए। 1350 रुपए, और इसकी प्राइस 2500 है। जो लोग आवाज के 125 की आवाज के फैन है, उनके लिए असल सलंसर यहाँ पे स्टार्ट है। क्या बात है जी, क्या क्रोम वाला, जबरदस्त। ये होंडा की इसके ऊपर स्टैंप लगी है, सही, होंडा की स्टैंप है जी बिल्कुल। और वही सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जब भी आपने कोई ओरिजिनल पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है तो वो ये तीन चीजें, रबिड कॉइन, मोनोग्राम डिटेक्शन और बारकोड डिटेक्शन, ये तीनों चीजें आपने इसको आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर ये ओरिजिनल। और मेरा ख्याल असल जो है वो बॉक्स में भी, असल वाला आता ही बॉक्स में। जो बंदा कह रहा है कि यार ये थैली के अंदर है और ओरिजिनल है, आपने उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करना। सही, जब तक वो ये बॉक्स के अंदर नहीं लेगा आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा सर, डीलरशिप की बात स्टार्ट में हम कर रहे थे, कोई भाई आप जैसा माशाल्लाह किसी अदर सिटी में लेना चाहता है डीलरशिप होंडा की, जो स्पेयर पार्ट्स की डीलरशिप है, तो उसका क्या तरीकाकार है?
सर उसका बड़ा आसान सा एक तरीके का है जी। होंडा कंपनी का अपना एक हेड ऑफिस है लाहौर में भी है जी। जैसे लाहौर में 28 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जी। और मेन ऑफिस चूंकि लाहौर इनका है, लाहौर बेस्ड है कंपनी, तो यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है 28 मजंग रोड पे जी। वहाँ पे आप इनके विजिट करेंगे जी और उनसे मतलब रिक्वायर करेंगे कि जनाब हमें एक डीलरशिप रिक्वायर है और आप हमें इसके मतलब सारे रिक्वायरमेंट्स हमें बताएंगे क्या होंगे। सही है। तो सबसे पहले तो उनके लिए वो एरिया मैटर करता है कंपनी के लिए कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं जी और वहाँ पे क्या उनके रिलेटेड डीलर्स पहले मौजूद हैं कि नहीं है। हाँ जी, गुड। तो वो उस हिसाब से पहले वो उनका डीलर डेवलपमेंट ऑफिसर पहले विजिट करता है आपके एरिया को जी। फिर वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि जनाब आप 1S करना चाहते हैं काम या 2S करना चाहते हैं या 3S करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने शुरू अच्छा, में बताया था कि 1S stands for sales, 2S stands for sales and spares, 3S stands for sales and spares and services। इसके लिए फिर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ये जो डेफिनेटली डेफिनेटली फिर वो उनकी वो रिक्वायरमेंट होगी कि जनाब इनको ज्यादा एरिया चाहिए लाइक 3S के लिए एरिया ज्यादा चाहिए होगा, 2S के लिए उस हिसाब से कम होगा और 1S के लिए फिर कम होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट होती है। तो कोई सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं लेते वो कैश के हिसाब से या कैश के हवाले से? ये डिपेंड्स ऑन द एरिया और डिपेंड्स ऑन द मतलब सिचुएशन जिस हिसाब से वो कंपनी मतलब इसको ऐसे डिस्क्लोज नहीं करती। हाँ। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है एरिया वाइज। एरिया वाइज यानी कि मे बी पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है ना। अगर वो 2021 में अगर सिक्योरिटी ले रहे थे तो हो सकता है 2022 में ना ले रहे हो। इसी वजह से ना वो पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं।